नमस्कार, मैं संगीता। डिलीशियस भोजन में स्वागत है आपका। तो आज हम सिर्फ दो चीजों से बहुत ही बढ़िया सा स्वीट बनाने वाले हैं, बहुत बढ़िया मिठाई बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया है 2 से 3 चम्मच, और कढ़ाई के चारों तरफ इस तरह से हम पहले फैला लेंगे। अब हम डाल देंगे दूध। तो ये 1 लीटर दूध लिया है हमने, पूरा दूध हम कढ़ाई में डाल देंगे। तो दूध को हम हाई फ्लेम पे उबालते हुए पकाएंगे, और सारे दूध को हमें हाई फ्लेम पे पकाते हुए रिड्यूस करना है। तो चलाते हुए हम इस तरह से दूध को पका लेते हैं। दोस्तों, दूध को पकाते हुए हमें 15 से 20 मिनट हो गया है, और दूध अभी हमारा पूरी तरह से रिड्यूस नहीं हुआ है। तो अभी हम और गाढ़ा करेंगे दूध को पकाकर, और किनारे किनारे जो मलाई लग जा रही है वो हम निकालते हुए इस तरह से दूध में मिलाते हुए चलाते हुए पकाएंगे। तो दोस्तों, दूध को पकाते हुए हमें पूरे 45 मिनट हो चुके हैं, और दूध हमारा रिड्यूस हो चुका है, बिल्कुल इस तरह खोआ बनने के तैयारी पे हो गया है। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा चीनी। आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा रख सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए, तो मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। और चलाते हुए हम थोड़ा सा ब्राउन कलर आने तक हम और थोड़ा भून लेंगे। तो दोस्तों, हो चुका है हमारा मावा तैयार, खोया तैयार हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा घी डाल देंगे, क्योंकि दूध का अपना भी मलाई का घी होता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और चलाते हुए हम पका लेते हैं और थोड़ा सा और कलर आने तक। दोस्तों, फाइनली हमें जो कलर चाहिए वो कलर आ चुका है हमारे खोया में। और जब मैंने चीनी को ऐड किया था दूध में, तो मैं बताना भूल गई थी कि उस समय पे हमें अपने आंच को मीडियम कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे ही हम इस कलर तक आने तक हम पकाएंगे। तो फाइनली हो गया है हमारा खोया तैयार, और अब हम निकाल लेते हैं, निकाल कर हम ठंडा कर लेंगे। दोस्तों, खोया हमारा ठंडा हो चुका है, और अब हम पेड़े बनाना शुरू करते हैं। तो हाथों में लेकर छोटा बड़ा आप अपने साइज का, जिस तरह साइज का आप बनाना चाहें बना लेते हैं। दोस्तों, बना लिया है मैंने पेड़ा। इस तरह से शेप देंगे, और किसी कटोरी में या किसी छोटी प्लेट में हम इस तरह से रखेंगे। कटोरी में मैंने घी लगा दिया है, थोड़ा सा हाथों से पुश करेंगे, या किसी इस तरह से चम्मच से हम थोड़ा सा इस तरह से दबा देंगे। तो पेड़े हमारे बनके तैयार हो गए हैं, और एक काजू हम रख देंगे इस तरह से। तो ये पेड़े इसी तरह से बनाए जाते हैं, और सारे पेड़ों को हम इसी तरह से बना लेंगे। तो दोस्तों, बना लिया है हमने ये मिठाई। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।